दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है सारे इम्पोर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो ये आपका रेड क्लिफ लाइन। देखिए वाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक स्थित हैं। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, तो होगा आपका आंसर रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ लाइन कहाँ है? वाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक स्थित हैं। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एफआरआई कहाँ पर स्थित है? एफआरआई आपका देहरादून में। तो एफआरआई कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? यह है आपकी गोदावरी। पैन गंगा नदी किस नदी की सहायक है? यह है गोदावरी की। देखिए पैन गंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा पैन गंगा किसकी सहायक है, तो यह गोदावरी की थी। देखिए इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ गोदना यानी कि लिखना, किसी से गोदते हैं लिखते हैं पेन से, तो पेन चलाकर ही हम किसी चीज़ को गोदते हैं। गोदने का मतलब होता है लिखना। तो पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने राज्य हैं? 17। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य हैं इस प्रकार से हैं, पहला जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। यह चैनल 150 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहर वैली से लिया गया है। रूहर वैली किस देश में स्थित है? तो रूहर वैली है जर्मनी में। रूहर वैली जर्मनी के पश्चिमी राइन वेस्टफेलिया में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।